जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं एवं हिंदुओं की हत्या के विरोध में बुधवार को डीएम कार्यालय पर बजरंग दल ने एडीएमई के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में बजरंग दल के प्रांत संयोजक पुरेंद्र कुमार ने बताया कि देश में जिहादी तत्व घृणा और आतंक का वातावरण निर्माण कर रहा है। लव जिहाद के अन्य प्रकारों से हिंदू समाज को आतंकित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों एवं कार्यकर्ताओं तथा हिंदू नेताओं पर हमले कर उनकी हत्या करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। असम में बजरंग दल के एक 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभु कैरी की एक जिहादी द्वारा चाकू से कर निर्मम हत्या कर दी गई तथा 2 वर्षों में बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं और अगले निशाने पर कई हिंदू नेता भी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि घृणा फैलाने व समाज को भड़काने वाले पर नियंत्रण करने के लिए एक कठोर कानून बनाया जाए ताकि सशक्त हिंदू समाज हिंसा और घृणा के वातावरण से मुक्त हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल के प्रांत संयोजक पूर्णेंद्र कुमार एवं विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष विश्वजीत शाही ने कहा, जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को डीएम साहब के माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं। अगर आतंकवादी अगर नाबालिग भी हैं उनके ऊपर भी उसी प्रकार की कार्रवाई हो, जिस प्रकार की कार्रवाई हम बारीक से आगे से हमारी मांग। यह ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा गया है। इसका उद्देश्य है कि जो देश भर में घटनाएं हो रही हैं, विशेष रूप से अभी जम्मू कश्मीर में जो हत्या हुई ऐसे छोटे छोटे बच्चों के और ऐसे हिंदू समाज को टारगेट करके जो हत्या किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और यह राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को इस बाबत सूचित करें कि यह जो हत्याएँ हो रही हैं उसको तुरंत रोका जाए और इस प्रकार के अगर घिनौने कृत्य करने वाले भले ही उन नाबालिग हैं उनके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई किया जाए, उनके लिए कठोर कानून बनाया जाए और ऐसे लोग अगर ऐसा कानून अगर सरकार अगर चेतती नहीं है, सजग नहीं होती है और शीघ्रतापूर्वक इसका निदान नहीं करती है तो बजरंग दल भी चुप रहने वाला संगठन नहीं है। पूरे देश में हम समाधान करने में सक्षम हैं और समाधान कर सकते हैं। क्या कहा अधिकारी? उन्होंने कहा है उनको ज्ञापन उन्होंने लिया, राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको आपकी बात को रखूंगा। पूरे देश भर में यह अभियान है, यह केवल गोरखपुर का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है। हमने पूरे देश में 2 दिन में ज्ञापन दिया है, संक्षिप्त सूचना केंद्र से हम लोगों को मिली है। कल और आज 17 और 18 जनवरी को हमको ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, अलग अलग जिलों में हुआ है। हमारे गोरखपुर प्रांत के भी यहाँ जितने प्रशासनिक 10 जिले हैं उन सभी जिलों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरा नाम विश्वजीत साहे, जिला उपाध्यक्ष गोरखपुर। असम में, श्रीनगर में, जम्मू में आए दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मृत्यु के घाट उतारा जा रहा है, कई टुकड़ों में बांटा जा रहा है। यह जघन्य अपराध को बंद किया जाए, नहीं तो देश में बहुत ही आक्रामक रूप से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उतर के आएगा और इन जहादियों को
खत्म करने का कार्य बजरंग दल अपने सर पे लेके करने का कार्य एक बार फिर करेगा। इसको मानवता को सभी अपने शासन प्रशासन जागरूकता पूर्वक इस पे ध्यान दे, नहीं तो आने वाले वक्त में बहुत ही बुरा दशा होगा ये जिहादियों का, लव जिहादियों का। कई प्रकार के घटनाएं हिंदू समाज के लिए हमेशा यह चिन्हित करके काम करने का जो कार्य कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द खत्म करने का कार्य करें।